हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग प्रश्नावली 5.3 में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 से लेकर के प्रश्नावली 5.2 तक के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक प्रश्नावली 1.1 से प्रश्नावली 5.2 तक के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि अभी हम लोग जो है प्रश्नावली 5.3 में पढ़ाई कर रहे हैं और पिछले क्लास में प्रश्नावली 5.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने पढ़ाई किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सीखने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 दे दिया गया आपको, अंतिम पद 45 और योग जो है वो 400 है। इस स्थिति में आपको पदों की संख्या और सार्व अंतर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो भी चीज दिया गया होता उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, फिर जो हमें क्या करना होगा, निकालना होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहले जब आप इसका हल करेंगे तो हल करने के समय आपको क्या करना है, जो भी दिया गया उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रथम पद 5, यानी कि प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं, तो ये ए का मान हो गया कितना, ए का मान आपको दे दिया गया 5, तो हम ए बराबर 5 लिख लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद कितना है, 45 है। तो अंतिम पद को क्या बोलते हैं, आप सभी को पता होगा अंतिम पद को ए एन या नहीं तो एल बोला जाता है, या तो ए एन बोलेंगे या नहीं तो एल बोलेंगे। अंतिम पद को ए एन और एल दोनों से सूचित किया जाता है, तो हम लोग ए एन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है, ए एन, ए एन बराबर कितना दिया गया है, तो 45, तो n बराबर 45 हम लोग लिख लेंगे। फिर इसका जो है नाम आप लोग क्या कीजिए, n बराबर 45, इसका नाम आप समीकरण 1 दे दीजिए, इससे आपको आगे क्या होगा, फायदा होगा। चलिए इसका नाम हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब एक चीज और दिया गया है, आप देख सकते हैं कि योग दिया गया है, योग है 400, तो योग को किससे सूचित करते हैं, योग को सूचित करते हैं हम लोग SN से, किससे सूचित करते हैं, SN से सूचित करते हैं। तो आप का यहां पर जो है इसका मतलब हुआ कि SN दे दिया गया 400, लिखेंगे एवं एवं SN, SN बराबर कितना 400, तो SN बराबर 400 हम यहां पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। इतना सारा चीज, ये तीन चीज, प्रथम पद, अंतिम पद और SN यानी कि योग दिया गया है आपको। इस स्थिति में आपको पदों की संख्या, पदों की संख्या को किससे सूचित करते हैं, आपको बताए थे पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं, यानी कि n निकालना है और सार्व अंतर यानी कि आपको d क्या करना है, निकालना है। तो चलिए सीखते हैं कैसे n और d आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये जो SN दिया गया है इसी के मदद से हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का सूत्र क्या होता है। देखिए SN का सूत्र हम लोग एक जानते हैं, हम आपको बताए थे कि जब क्वेश्चन में an दिया गया हो और d नहीं दिया गया हो, an दिया गया है और d नहीं दिया गया है, उस स्थिति में हम लोग SN का क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको पता होगा n बट्टे 2 इंटू ए प्लस an, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। दाहिने में 400 है तो हम लोग 400 क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब समझिए बातों को, यहां पर आपको पता होगा कि जो SN होता है इसका फॉर्मूला एक ये भी होता है, SN बराबर एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला भी होता है, लेकिन ये फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देख लीजिए a दिया हुआ है और an दिया हुआ है, और इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आपको d भी देना होगा, तो d हमें नहीं है। तो हम आपको बताए थे कि जिस स्थिति में d नहीं दिया गया हो और an दिया गया हो, तो उस स्थिति में हम लोग ये फॉर्मूला काम, ये इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग काम चलाते हैं। तो ये फॉर्मूला क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसमें d का मान देना होगा और जबकि आपके पास d नहीं है, और इसमें an देना होता है और an आपके पास है, तो यहां से आप काम चला सकते हैं।
तो कहाँ पे कौन फार्मूला लगाना है, कहाँ पे कौन नहीं लगाना है, उसके स्थिति पर आप ये भी समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और क्या निकलेगा इससे आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एन का मान तो आपके पास नहीं है, तो ये एन बट्टा टू ही अभी रहेगा, तो एन बट्टा टू इन टू ए, तो ए का मान आप देख सकते हैं कि पांच है, तो ए का मान हम पांच रख देंगे, फिर प्लस है बीच में तो प्लस ले लेंगे, और ए एन, ए एन का मान देख सकते हैं कि 45 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45, क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे, फिर कोष्ट को क्लोज कर देंगे। फिर दाहिने में है 400, तो हम ले लेंगे 400। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एन बट्टा टू, तो एन बट्टा टू ही रहने दीजिए, ठीक है। कोष्ट हटाएंगे तो गुना लेना पड़ेगा, और पाँच और 45 कितना होगा, 50 होगा, पाँच और 45 कितना होगा, 50, और फिर दाहिने में कितना है, तो दाहिने में है आपका 400, तो इसको 400 सेम टू सेम रहने देंगे। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि 2 से जब आप 50 को भाग करेंगे तो मिलेगा आपको 25, कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, ठीक है। और ये 25 मिला, और आपको ये भी जो है पता होना चाहिए कि बराबर के दाहिने और बाएं गुना के रूप में अगर कुछ होगा तो हम उसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, उसे हम कैंसिल कर सकते हैं, या नहीं तो चलिए एक स्टेप बना ही लेते हैं ताकि आपको क्लियर से समझ में आ जाए। चलिए अब आगे आपको क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। ये n बचा हुआ है, ठीक है, तो n गुने, और ये क्या है, 25 है, ठीक है, तो ये 25 है, तो n गुने 25 हम क्या करेंगे, अभी लिख लेंगे। फिर दाहिने में 400 है, तो उसको हम 400 क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर आपको n का मान चाहिए, तो n आप बाएं रखेंगे, दाहिने में पहले से क्या है, 400 है, दाहिने में 400 है, और ये जो 25 गुना के रूप में है वो दाहिने जाएगा, तो वो बट्टा के रूप में हो जाएगा, बट्टा के नीचे चला जाएगा 25, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो समझिए, जब 25 से आप 400 को भाग करेंगे, 400 को जब आप 25 से भाग करेंगे तो आपको पता होगा कि 16 मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, 16। तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो है n का जो मान मिल गया वो कितना मिला, 16 मिल गया, तो लिखेंगे इसीलिए n बराबर 16 लिख देते हैं, इसीलिए n बराबर क्या मिला आपको, तो देख सकते हैं इधर n और इधर 16 है, तो n बराबर क्या मिल गया आपको, 16 मिल गया, तो एक आंसर आपका मिल गया। देख सकते हैं कि एक आंसर क्या है, यहाँ पर आपको निकालना था n का मान, देख सकते हैं क्वेश्चन में n का मान आपको क्या करना था, निकाल करके देना था, तो n का मान आपका आ गया 16। अब d निकालना है, तो d निकालने के लिए अब क्या करेंगे, तो d निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आप देख सकते हैं कि a आपके पास है, और ये एक समीकरण एक जो है इसके आधार पर आप जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण एक में ए और डी का मान, ए और एन का मान रखने पर, देखिए समीकरण एक क्या है, ए एन बराबर 45 है, तो यहाँ पर चलिए हम लिखते हैं और उस बातों को आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चलिए हल्का, हाँ चलिए यहाँ पर एक लाइन आप लिखेंगे, समीकरण समीकरण एक में, समीकरण एक में आपको ए एवं एन, ए एवं एन का मान रखने पर, एन का मान रखने पर, मान रखने पर, तो कैसे रखेंगे, देखिए ये समीकरण एन, समीकरण एक क्या था, एक बार आप फिर से जो है देख लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पर आपका समीकरण एक जो था वो क्या था, ए एन बराबर 45 था, और ए का मान 5 है, ये भी आप याद रख लीजिए, ए एन बराबर 45 था, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एन बराबर 45, क्या लिखेंगे, एन बराबर 45, तो एन बराबर जो 45 करेंगे, अब इसमें आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एन का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है किसका फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला, और दाहिने में 45 है, तो उसको हम अभी 45 लिखेंगे। फिर क्या करना है आपको, ए का मान डालना है, तो ए का मान कितना था, तो ए का मान था 5, तो ए का मान हम 5 यहाँ पर रख देंगे, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, फिर n माइनस वन करना है, तो n का मान देख सकते हैं 45 है, कितना है 45 है, तो 45 हम यहाँ पर लिखेंगे, और 45 माइनस क्या करना है 1 करना है, और फिर d, तो d हम यहाँ पर सेम टू सेम लिख देंगे। फिर दाहिने में आपका क्या है 45 है, तो इस 45 को सेम टू सेम हम अभी लिखेंगे। फिर क्या करना है आपको समझिए, ये 5 तो आपका 5 होगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस ले लेंगे,
जब आप 45 में से एक घटाइएगा तो मिलेगा आपको 44। कितना मिलेगा? 44 मिलेगा। सॉरी, एक मिनट आप जो है ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ये जो 45 हमने लिया ये 45 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको लेना है एन का मान। ये जो एन है आप देख सकते हैं, एन का मान लेना है, और एन का मान कितना है? 16 है। तो आपको एन का मान 16 लेना चाहिए। तो यहाँ पर 45 नहीं होगा, क्या होगा? 16 होगा। तो यहाँ पर आपने 16 ले लिया। अब 16 में से एक घटाइए तो क्या होगा? 15। और 15 को डी से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15D। कितना होगा? 15D। और फिर दाहिने में 45 है तो आप ले लेंगे 45। फिर क्या करना है देखिए, अब आपको डी का मान चाहिए था, तो डी यानी कि 15D को अभी आप बाएं रखेंगे, 15D को बाएं रख रहे हैं, दाहिने में पहले से है 45, पहले से 45 है, और ये 5 जो है प्लस 5 दाहिने भेजेंगे तो ये हो जाएगा -5। कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, तो देखिए ये 15D जो है, 15D जो है यहाँ पर 15D बराबर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं 45 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 40। इसीलिए D बराबर आपको क्या आएगा, सो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए D बराबर क्या मिलेगा? D बराबर ये दाहिने में पहले से 40 है तो 40 लिख लेंगे, और फिर बट्टे में क्या है, ये बट्टे में चला जाएगा 15। बट्टे में कितना जाएगा? 15। तो 40 बट्टा कितना हो गया? ये 15 हो गया। 40 बट्टा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब आप इसको हल कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि 10 या यहाँ पर हम हल्का पेन चेंज कर दें, या फिर वैसे भी कर सकते हैं। देखिए आप सभी को पता होगा कि 10 आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8 × 5 = 40 होता है, 8 × 5 = 40 होता है, 8 × 5 = 40 और 3 × 5 = 15। सही बात है, 8 × 5 = 40 और 3 × 5 = 15, ये क्या होगा? कट जाएगा। अब आपको डी का मान कितना मिल गया, तो लिखेंगे इसीलिए डी बराबर आपको मिल गया कितना, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 8/3। कितना? 8/3। तो 8/3 आपका क्या हो जाएगा? फाइनल यहाँ पर डी का मान हो जाएगा। तो ए एन आपको एन निकालना था, तो एन का मान आपने ऊपर निकाला 16, देख सकते हैं एन का मान 16 आ गया, और डी का मान यहाँ पर आपको कितना मिल गया, तो डी का मान मिल गया यहाँ पर आपको 8/3। तो चलिए अब आप लोग इसका जो है, हम आपको एक स्लाइड दिखा देते हैं ताकि आप लोग इसको रोक करके या फिर जिस तरह से लिखना हो आप उसको लिख सकेंगे। जब कभी भी हम पढ़ाते रहे तो उस टाइम पर मत लिखा कीजिए, आप बाद में वीडियो को फिर से चला के या फिर वीडियो को रोक रोक करके आप बाद में क्या कर लिया कीजिए, लिख लिया कीजिए। ये यहाँ तक आपने लिख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक लीजिए, फिर हम आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ से आप दूसरे स्लाइड में आप जो है देख लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से आपको लिखने का टाइम एकदम दिया जाएगा, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पर नहीं लिखा कीजिए, ताकि आप कुछ समझ में आ सके, पूरे आप समझने पर फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसको तो कितना बार पूछा भी गया आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। इस स्थिति में आपको यदि सार्वान्तर 9 है तो इसमें कितने पद और इसका योग क्या है, आपको बताना। चलिए एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को। किसी एपी के प्रथम पद, प्रथम और अंतिम पद, तो प्रथम पद यहाँ पर आप यह समझ लीजिए कि प्रथम पद हो गया 17, प्रथम पद कितना हो गया? 17 हो गया। और अंतिम पद, अंतिम पद आपका हो गया यहाँ पर आप यह समझिए कि हो गया 350। तो प्रथम पद, प्रथम पद को क्या बोलते हैं हम लोग? ए बोलते हैं। और अंतिम पद को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। तो ए और एन आपको दे दिया गया, और सार्वान्तर 9 है, सार्वान्तर भी दे दिया गया 9। सार्वान्तर को किस से सूचित करते हैं? डी से। तो सार्वान्तर यानी कि डी भी दे दिया गया 9। तो इसमें आपको क्या करना है, कितने पद हैं और इसका योग क्या है, कौन चीज योग क्या है, यह आपको बताना है। तो चलिए आपको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कितने पद हैं यानी कि पदों की संख्या यानी कि n निकालना है, और योग यानी कि Sn निकालना है, Sn निकालना है और n का मान आपको निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब आप इसको हल करेंगे, जब आप इसको हल करेंगे तो जो भी दिया गया होगा उसको लिख लेंगे, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है
जो भी दिया गया है इसको आप ध्यान से पहले लिख लें। क्या दिया गया है तो देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रथम पद दिया गया है यानी कि ए का मान दिया गया 17। कितना दिया गया? प्रथम पद यानी कि ए दिया गया है आपका 17 दिया गया है। और अंतिम पद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतिम पद कितना है? अंतिम पद 350 है। अंतिम पद यानी कि ए एन, तो ए एन भी आपको दे दिया गया 50। लिखेंगे ए एन बराबर कितना? 350 दिया गया है। अब इस स्थिति में आपको क्या करना है, एक चीज और दिया गया वो भी लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। तो एक काम आप पहले करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि D का मान दिया गया, D यानी कि सार्वांतर दिया गया, ठीक है। तो पहले D का मान लिख लीजिए तो ज्यादा ही आपका फायदा होगा। A दिया गया 17, D बराबर आपको दे दिया गया, देख सकते हैं कि 9 दिया गया है, D बराबर 9 दे दिया गया है। और लास्ट में हम लिखेंगे An को, तो An का मान कितना है? 350। तो लिखेंगे एवं An बराबर, एवं An बराबर, An बराबर आपको दे दिया गया है 350। कितना दिया गया है? 350 दिया गया है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, n का मान और Sn का मान निकालना है। तो Sn निकालने से पहले आपको n निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि Sn जब निकालने के लिए आप जाएंगे तो वहां पर आपको n का मान देना होगा। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी से हम लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो an का आप लोग जो है फार्मूला जानते होंगे, क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दाहिने में 350 है तो हम लिखेंगे 350। फिर आपको क्या करना है सो समझिए, ए का मान आपको 17 ले लेना है ऊपर से, तो ए का मान 17 डाल देंगे, प्लस है तो प्लस, एन का मान हमें पता नहीं तो एन अभी नहीं लिखे, एन का एन ही लिख देंगे, माइनस वन कर देंगे। और डी का मान आप देख लीजिए कितना है, 9 है, तो डी का मान 9 है तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। फिर दाहिने में 350 है तो उसको सेम टू सेम आपको लिख लेना है। फिर क्या करना है सो समझिए, तो यहाँ आप देखेंगे ये 17, अभी आप 17 सेम टू सेम लिखिए, जब आप n को 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 9n, क्या होगा? 9n होगा। और 1 को 9 से गुना करेंगे तो ये माइनस 9 होगा। फिर दाहिने में आपका क्या होगा? 350 होगा। कितना होगा? 350 होगा। फिर अब आपको क्या करना है, ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपका n का मान जो है मिल जाएगा। देखिए ये जो 9n है इसको हम से अभी बाएं रखते हैं, ठीक है, और दाहिने में क्या है देख लीजिए, 350 है, 350 है। फिर क्या करना है आपको, ये जब प्लस 9 को दाहिने भेजेंगे, सॉरी माइनस 9 को, तो ये हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, और 17 को दाहिने भेजेंगे तो ये माइनस 17 हो जाएगा। फिर क्या करना है समझने की कोशिश करेंगे, देखिए ये जो 9n है, 9n, तो 9n बराबर आपका क्या होगा समझिए, 9n बराबर देखिए 350 में आप 9 जोड़िए तो 359 होगा, और 359 में से आपको क्या करना, 17 घटाना है, तो 17 घटा लीजिए, तो 17 घटाएंगे तो 9 में से 7 गया तो 2 होगा, और ये 5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 4 होगा, यानी कि 342 कितना हो जाएगा, 342 हो जाएगा। तो दाहिने में आपको क्या मिला, 342 आपका मिला। अब क्या करना है बातों को समझिए, अब तो आप सभी जानते हैं क्या करेंगे हम लोग, 9 को दाहिने भेज देंगे, तो 9 को दाहिने भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना n बराबर 342 पहले से दाहिने में है 342, और ये 9 क्या है, तो 9 आपको ले लेना है नीचे। इसके बाद आपको क्या करना है समझिए, 9 से आप 342 में भाग करेंगे, 9 से 342 में भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप याद रखिएगा जब आप 9 से भाग करेंगे, खुद करके देख लीजिएगा, 342 में जब आप भाग कीजिएगा तो आपको मिलेगा 38। कितना मिलेगा? 38 मिलेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है n का मान मिल गया, n का मान मिल गया कितना, 38। n का मान आपको 38 मिल गया। n का मान जब मिल गया तो अब आपको क्या चाहिए, Sn चाहिए। तो चलिए Sn निकालने का हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए ताकि आपको और भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n का मान निकालना था, तो n का मान तो आपको 38 मिल गया, 38 मिल गया। अब क्या निकालना है, Sn निकालना है, तो यहीं पर लिख लेते हैं, लिखेंगे इसीलिए Sn बराबर, लिखेंगे इसीलिए Sn बराबर, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, हम यहीं पर लिख लेते हैं, लिखेंगे इसीलिए Sn बराबर,
क्योंकि आप देख सकते हैं कि SN आपको निकालना है। देखिए SN का कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए, तो आप सभी जानते हैं कि जिसमें हमें AN का मान दिया गया हो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो फॉर्मूला लिखेंगे N बट्टा 2 इंटू ए प्लस AN, ए प्लस AN लिखते हैं, ठीक है। तो इससे आपका आसानी से क्या होगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो n का मान कितना है आपके पास, देख सकते हैं 38। नीचे भी आप देख सकते हैं कि आपने n का मान कितना निकाला है, 38 निकाला, देख सकते हैं n का मान 38 निकाला है। तो इसके आधार पर आप क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर n का मान हम लोग ले लेंगे 38, 38 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 38 बटे 2 होगा। फिर कोस्ट ले लेते हैं और ए का मान देख लीजिए कितना है, तो ए का मान 17 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 17 डाल देंगे। प्लस है तो प्लस ले लेंगे। और ए एन का मान देख लीजिए 350 है, तो 350 है तो 350 हम यहाँ पर ले लेंगे, 350। और फिर क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देख सकते हैं ये है आपका 38/2, 38/2 है, तो 2 से 38 को भाग करेंगे, आपको पता होगा कि क्या मिलेगा आपको। तो जब आप 38 को 2 से भाग करेंगे तो 19 गुना 38 होता है, तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा 19। फिर आप कोस्ट को जब हटाएंगे तो गुना लेना होगा और इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे जब आप तो 367 हो जाएगा, क्योंकि 50 और 17 67, तो 367 ये आपका हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, दोनों को गुना कर लेना है। तो 19 को जब आप 316 से गुना कीजिएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर 6973 होगा, 6973 ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका SN का भी मान मिल गया। ये वाला जो पोर्शन है यह आप क्या कीजिएगा, नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप नीचे से भी जो है ले सकते हैं, वीडियो को देख लीजिए, यहाँ भी आपका सभी लिखा हुआ है। तो आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको लिखिए, लिखिए वीडियो में, आप वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिए, वही बेहतर होता है, नहीं तो आप बाद में नहीं लिख पाते हैं। चलिए 6 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को, काफी महत्वपूर्ण है। और आप लोग अगर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अभी तक जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, LGR स्टडी का ऑफिशियल मोबाइल ऐप, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस पर आपको 2 मोबाइल ऐप है और दोनों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोनों में आपको, एक में तो सबका PDF आपको मिल जाएगा और दूसरा जो मोबाइल ऐप है उसमें आपको जो है टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट देने का भी आपको वहां पर जो है मौका मिलेगा। सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो 2 ऐप है, दोनों डाउनलोड कर लीजिए, दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है कि उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रथम 22 पदों का आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है, जिसके D देख सकते हैं कि 7 हैं और 22वां पद जो है वो 149 है। तो वही बात जो भी दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ये हमें ध्यान रहना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, जो भी चीज दिया गया है उसे हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। क्या चीज दिया गया है, तो यहां पर आपने देखा कि आपको दे दिया गया है D का मान 7, तो D बराबर हम लिख लेंगे कितना, 7। एवं आप देख सकते हैं कि 22वां पद आपको 149 दिया गया है। 22वां पद मतलब A 22 आपको दे दिया गया है 149, तो लिखेंगे एवं A 22। 22वां पद मतलब A 22 आपको दे दिया गया कितना, तो 149 दिया गया है। अब इसी के मदद से आपको क्या करना है, 22 पदों का योग निकालना है। तो 22 पदों का योग आप कैसे निकालेंगे, एक बात और यहाँ पर समझ लीजिए, 22 पदों का योग निकालना है, एक मिनट आप समझिए, इसको पहले आपको मिटा लेना चाहिए, इसको भी मिटा लेते हैं। यहाँ पर 22 पदों का योग जैसे ही बोला तो आप समझ लीजिए कि N का मान दे दिया गया 22, N का मान कितना है, 22 है, और लास्ट में लोग 22 पदों का योग यानी कि S 22 निकालेंगे, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो N का मान आपको 22 दे दिया गया। D देख सकते हैं, D जो है आपको दे दिया गया कितना, तो ये आपका 7 दे दिया गया, ठीक है। और 22वां पद यानी कि A 22
तो लिखेंगे एवं एवं ए 22 आपको दे दिया गया, कितना ए 22 दे दिया गया, 149 दे दिया गया। देखिए अब ये 22 149 दे दिया गया, इस स्थिति में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपका कोशिश होगा कि ए का मान हम निकाल लें। ए का मान आप निकाल लीजिएगा तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो डी का मान पहले से है, अब ए का मान निकालना है। तो देखिए ए का मान निकालने के लिए क्या करना, ए 22 का फार्मूला क्या होता है, ए 22 का फार्मूला क्या होगा, ए 22 का फार्मूला होगा ए प्लस और 22 में से एक घटाइएगा तो 21 डी हो जाएगा, दाहिने में 149 है तो 149 ही आपको लिखना है। अब आप इसमें क्या करेंगे, ए का मान तो आपके पास है नहीं तो ए ही लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और ये 21 को डी से गुना करना होगा आपको, तो 21 गुने डी, तो डी का मान आप देख सकते हैं कि 7 है, तो ये 7 ले लेंगे, फिर दाहिने में आप देख सकते हैं कि 149 है, तो ये 149 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ये जो आपका ए है ये तो आप सेम टू सेम लिख लेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और 21 को जब आप 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 होगा, ठीक है, और 2 को जब 7 से गुना करेंगे तो 7 दुना कितना होगा, 14 होगा, यानी कि 147 कितना हो गया, 147 हो गया, दाहिने में 149 पहले से है, 149 है। अब आपको क्या करना है कि ए को आप रख लीजिए बाएं, हल्का ऊपर ले लें ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। देखिए क्या करना है आपको कि जो ए है ए को बाएं रख लीजिए, दाहिने में पहले से 149 है तो 149 लिख लेंगे, और फिर ये जो 147 है 147 को दाहिने में भेजेंगे तो ये होगा माइनस 147 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको ए का मान मिल गया, ए बराबर क्या मिलेगा, 49 में से 47 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2, यानी कि ए का मान आपको 2 मिल गया। अब आपको क्या करना है, ए का मान जब मिल गया तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निकालना है आपको यहाँ पर 22 पदों का योग निकालना है, तो 22 पदों का योग यानी कि S22 निकालना है, क्या निकालना है, S22। तो इसको कैसे निकालेंगे यहाँ पर आप ध्यान से पहले समझिए, लिखेंगे चूंकि SN बराबर होता है, SN आपको पता होगा SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D होता है, इसीलिए आपको निकालना क्या है, दो पॉइंट नीचे एक पॉइंट ऊपर देते तो इसको पढ़ेंगे, इसीलिए आपको निकालना क्या, SN इतना होता है तो आपको निकालना है 22 पदों का योग यानी कि S22 निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए S22 बराबर तो N के जगह पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22 आया, तो यहाँ भी N के जगह पे क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और 22 बटे क्या लेंगे हम लोग, 2 लेंगे, और फिर क्या होगा, तो देख सकते हैं कि ये 2A है तो 2 गुने A, तो A का मान कितना होगा, A का मान आप देख सकते हैं कि अभी आपने निकाला है, नीचे देख लीजिए क्या आया है, A का मान देख सकते हैं कि 2 आया है, A का मान कितना आया है, 2, तो A का मान 2 हम यहाँ पर ले लेंगे, A का मान हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और फिर N-1 करना है, तो N का मान कितना लेना है, 22 लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि N का मान हम पहले भी लिख चुके हैं 22, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 22-1 और इंटू डी, तो डी का मान देख सकते हैं 7 है, तो यहाँ पर हम डी का मान 7 दे देंगे। फिर आपको क्या करना है वो आप समझिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 11 दुना 22 होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11, ये 22 को जब आपने 11 से भाग किया तो ये 11 हो गया। अब आपको आगे बढ़ जाना है और आगे आपको करना क्या है समझिए, ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो ये 11 इंटू आप 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 22 में से ये घटाएंगे तो मिलेगा आपको 21 और ये 7, 21 में से आपका क्या होगा, 7 आ जाएगा, क्या होगा समझिए, ये 22 में से घटाएंगे तो ये आपका 21 होगा, और ये 7 तो 7 है। फिर आपको क्या करना है समझिए, यहाँ पर आपको जो है इसे सॉल्व कर लेना, यहाँ पर क्या करेंगे, जो 11 है सेम टू सेम 11 लिख लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आप ये जो 4 है 4 लिख लीजिए, और जब आप 21 को 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 सत्ते 7 होगा, ठीक है,
और फिर जब 2 को 7 से गुना करेंगे तो 7 × 2 = 14 यानी कि 147 हो जाएगा। और फिर आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 11 है तो 11 होगा, फिर कोष्ठ हटाएंगे तो ये गुना आ जाएगा, और आप 147 में 4 जोड़िए तो 7 × 4 = 11 होता है, तो हो जाएगा 151। कितना हो जाएगा, 151 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे तो 11 से गुना करेंगे 151 को, 11 से 151 को क्या कर लेंगे आप, गुना कर लेंगे। तो जब आप गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 1661 हो जाएगा। आप गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा, 1661 यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये एक ही पेज पे आपका दोनों आ गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए, फिर हम जो है बढ़ते आगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट में आप लोग। अब देखिए हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और नोट जरूर बनाइए, एक दिन हम आप लोग से सभी से पूछेंगे कि किन लोगों ने, आप लोगों ने नोट बनाया कि नहीं बनाया। चलिए जो लोग अभी तक जो है लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब जो लोग अभी तक नहीं किए हैं इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग आपके जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसको, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ध्यान देंगे 8 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ हम 8 लिख देते हैं, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या करना है इसमें, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब दूसरा पद दे दिया गया और तीसरा पद आपको दे दिया गया, दूसरा पद यानी कि आप देख सकते हैं कि ये है A2, ये A2 है, और ये तीसरा पद यानी कि ये A3 है, 18 A3 है, ठीक है। इस स्थिति में आपको 51 पदों का योग निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए ये बोला 51 पदों का योग निकालो, मतलब पदों की संख्या आपको दे दिया गया, पदों की संख्या कितना दे दिया गया, एन, पदों की संख्या कितना दे दिया गया, एन दे दिया गया, मतलब पदों की संख्या जो है वो आपका हो गया यहाँ पर 51, पदों की संख्या 51 हो गया। अब दूसरा चीज क्या देखते हैं आप, दूसरे पद कितना है, A2, दूसरे पद A2 है, A2 यानी कि दूसरा पद आपको दे दिया गया, तो लिखेंगे A2 बराबर 14। तो देखिए 14 जो है वो क्या होगा, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि A2 को आप लिख सकते हैं A+D फार्मूला होता है A2 का, A+D बराबर आपका हो गया 14। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1, क्या देंगे, समीकरण 1 दे देंगे। अब बातों को समझिए, ये A2 जो है, A2 का फार्मूला होगा A+D होगा, तो A+D बराबर 14 हो गया, इसका नाम अभी आप समीकरण 1 दे दीजिए। पुनः आप देख सकते हैं कि क्या दिया गया है, लिखेंगे पुनः, ये A3 दिया गया है, 18 कितना है, तीसरा पद मतलब A3 है 18, तो लिखेंगे A3 बराबर 18 कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। तो अब होगा क्या, तो समझिए A3 क्या होता है, A3 जो है इसका फार्मूला क्या होता है, A+2D होता है, A+2D होगा, और बराबर में क्या है 18 है, तो यहाँ पर हम 18 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे इसको समझिए, इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 2, क्या देंगे इसका नाम, आप इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 देने के बाद आपको देखिए निकालना क्या है, 51 पदों का योग निकालना, 51 पदों का योग निकालना है, डेट मीन्स S51 निकालना है, और SN निकालने के लिए आपको A, N और D चाहिए, जिसमें N तो आपको दे दिया गया भाई 51, लेकिन A और D तो चाहिए आपको, A और D तो पहले निकालना होगा तब आप जाकर के S51 निकाल पाएंगे। तो चलिए A हम और D कैसे निकालेंगे यहाँ पर बातों को समझते हैं। यहाँ पर क्या करना है, इस दोनों समीकरण को आप हल कर लीजिए, आपको A और D का मान मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए इस दोनों समीकरण को आप देखिए तो आपको क्या पता चल रहा है, इसमें ये है, ये कौन सा समीकरण है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से ज्ञात कर लेते हैं इसका मान, तो लिखेंगे समीकरण 2 - 1 करने पर, समीकरण 2 - 1 करने पर यानी कि समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, तो समीकरण 2 क्या है, ए
प्लस 2d बराबर 18 है, a प्लस 2d बराबर कितना 18 है, और उसमें से घटाना एक को, a प्लस d बराबर 14, a प्लस d बराबर क्या है 14 है, तो a प्लस d बराबर 14 को इसमें से घटाना है। तो घटाने में आप होगा क्या सो समझिए, आपको पता होना चाहिए जब घटाते हैं, ये देख सकते हैं बीच में माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो नीचे का सभी का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, सभी प्लस है तो सभी हो जाएगा माइनस। अब प्लस ए से ये माइनस ये घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 2d में से जब आप एक टी घटाएंगे तो ये मिलेगा आपको d, क्या मिलेगा d मिलेगा, और जब आप 18 से 14 घटाएंगे तो 18 में से 14 जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना 4 मिलेगा, यानी कि आपका d का मान जो है वो हो गया 4, तो d का मान 4 हो गया। अब आपको a का मान चाहिए, तो समीकरण एक में आप d बराबर 4 रख दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण एक में d बराबर 4 रखने पर, d बराबर 4 रखने पर यानी कि समीकरण एक में हम d बराबर क्या रखेंगे 4 रखेंगे। समीकरण एक है क्या, a प्लस d बराबर 14 है, तो लिखेंगे a प्लस d बराबर 14। अब इसमें आपको d के स्थान पर क्या कर लेना है, तो 4 रख लेना है, तो देखिए क्या होगा, ये a तो a रहेगा ही, d के जगह पे आप 4 ले लेंगे, और दाहिने में आपका 14 है तो 14 होगा। अब आप क्या करेंगे, a को बाएं रखिए, सॉरी ये d आ गया, a लिखना आपको, ठीक है, ये a है तो a को लिख लीजिए, फिर दाहिने में 14 है तो 14 आप लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, ये 4 जो है दाहिने भेजेंगे, 4 जब आप दाहिने भेजेंगे तो ये हो जाएगा -4, कितना होगा -4 होगा, और इस तरह से आपको a बराबर कितना मिल गया, तो 14 में से 4 घटाएंगे तो आपको पता है कि कितना मिलेगा, आपको 10 मिलेगा, तो इसका मतलब a का मान भी आपको मिल गया 10। अब आपको a और d निकल चुका है, आपको a और d का मान मिल चुका है, अब आपको निकालना क्या है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं क्वेश्चन में जो है बताया जा रहा था कि भाई क्या निकालो, 51 पदों का योग मतलब S51 आपको निकालना है, क्या निकालना है S51 निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए S51 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, या फिर इधर भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इधर या नीचे निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए नीचे निकाल लेते हैं, क्या निकालना है आपको S51 निकालना है, लिखेंगे इसीलिए S51 का मतलब क्या है, 51 पदों का योग, तो 51 पदों का योग जब आप निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि n/2 होता है, तो n का मान कितना है 51 बटे 2 होगा इंटू 2a। Sn का फॉर्मूला करते हैं, n/2 होता है, n का मान कितना है 51 है, तो 51/2 n/2 हो गया इंटू 2a हो गया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, n-1 इंटू डी होता है। अब आपको करना क्या, देखिए ऐसे 51 निकालने के लिए यहाँ देख लीजिए, ये जो n है यहाँ पर अभी ही आप 51 ले लीजिए, अभी आप क्या कर लेंगे 51 ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका 51 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 51/2 होगा, 51 और बट्टे क्या होगा 2 होगा, और फिर ये 2a है तो 2 × a करेंगे, a का मान आप देख सकते हैं आपके पास 10 है, यहाँ पर आप देख लीजिए a का मान कितना है 10 है, तो 10 हम यहाँ पर क्या कर देंगे डाल देंगे, फिर प्लस है तो प्लस ले लीजिए, और 51 में से एक जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 50, कितना मिलेगा 50, और cos घटाएंगे तो गुना का साइन लेना पड़ेगा, और जो d है d का मान आप देख सकते हैं कि आपके पास है 4, d का मान 4 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे d का मान 4 डाल देंगे, फिर आपको क्या करना है समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अब आपको इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जब 51/2 तो अभी आप आगे बढ़ाते चलिए, तो ये हो जाएगा 51/2 होगा, और कोस्ट अभी रहने दीजिए क्योंकि आप 10 को 2 से गुना करेंगे तो मिलेगा आपको 20, ठीक है, और प्लस है तो प्लस ले लीजिए, और 50 को जब आप 4 से गुना करते हैं तो आपको मिलता है 200, कितना मिलता है 200 मिलता है, फिर आप क्या करेंगे तो देख लीजिए कि 51/2 है तो 51/2 आप ले लीजिए 2, 51/2 लेने के बाद 200 में जब आप 220 को जोड़ेंगे और कोस्ट हटाएंगे तो गुना आएगा, और 200 में 220 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220। अब आप क्या करेंगे तो ये जो 2 है इस 2 से 220 को भाग कर देंगे, 220 को भाग करेंगे तो आपको पता 110 हो जाएगा, 110
10 हो जाएगा। और आपको फिर क्या करना है, 51 को गुना कर लेना है, 51 को गुना कर लेना है 110 से, 110 से गुना करना है। तो इसके बाद क्या होगा समझने की कोशिश कीजिए, 51 को 110 से गुना कर लीजिए तो आपका फाइनल जो है आंसर जो आ जाएगा, यहाँ पर आप गुना ही कर लीजिए क्योंकि देखिए 110 को गुना करना है 51 से, तो 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम 110, फिर 5 से गुना करेंगे तो ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 1 5 5 1 5 5 ये 5 हो जाएगा, ये 0 1 5 1 6 और ये 1600, यहाँ पर आपको मिल गया 10, कितना 1610, तो 1610 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, कितना होगा 1610 यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो आपको बोला जा रहा था भाई क्या करो एस 51 निकालो, तो एस 51 का मान कितना हो जाएगा 1610 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जो है ले लीजिए, यहाँ तक जो है इस तरह से आप लोग चलिए ये पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। अब जो है 8 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग ने देख लिया, अब बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, तो लास्ट तक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को, तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है पहले उसको पढ़ लेंगे। बोला जा रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग जो है, 7 पदों का योग आपको दे दिया गया 49 और प्रथम 17 पदों का योग आपको दे दिया गया है 289 को हम बोलते हैं 89, तो इसके प्रथम एन पदों का योग क्या निकालना है आपको, एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7 पदों का योग का क्या मतलब है, 7 पदों का योग का मतलब एस 7 दे दिया गया, और 17 पदों का योग का क्या मतलब है एस 17, एस 17 दे दिया गया, तो आपको क्या निकालना है एन पदों का योग यानी कि एस एन आपको निकालना है, क्या निकालना है एस एन निकालना है। तो चलिए इसमें जो भी दिया गया उसके आधार पर ही हम लोग हल करते हैं, तो लिखेंगे जब आप हल करेंगे इसका तो जो भी दिया गया उसको तो लिख ही लेंगे, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, तो जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, क्या दिया गया है तो एस 7 दिया गया है, 7 पदों का योग का क्या मतलब एस 7, तो लिखेंगे एस 7 बराबर, एस 7 बराबर आपको दे दिया गया है 49, क्या दिया गया है 49 दिया गया है। अब आप सभी जानते हैं एस 7 का फॉर्मूला क्या होगा, एन बट्टा 2 होता है, एस एन का फॉर्मूला एन बट्टा 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन बट्टा 2 यानी कि 7 बट्टा 2, 7 बट्टे हल्का हम इसको अच्छा से लिख देते हैं 7 बट्टे 2, 7 बट्टे 2 इंटू 2a, तो 2a तो आपको लेना ही लेना है, प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 करना होगा, 7 माइनस 1 और इंटू डी, तो d आप यहां पर लिख देंगे, और फिर दाहिने में बराबर में क्या है 49 है, तो 49 है तो 49 यहां पर आपको लिख लेना है, फिर आप इसको हल्का सॉल्व कर लीजिए ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो समझिए कि करना क्या है, देखिए ये 2a जो है, ये जो 2a आपको दिख रहा है इस 2a को हम लिख लेते हैं पहले इधर, ठीक है। बोलेंगे सर आप डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, तो समझिए बातों को पहले, ये 2a है, देखिए पहले इसके बारे में समझ लीजिए, 7 बट्टा 2 को हम क्या करेंगे, 7 बट्टा 2 जो है वो बराबर के बाएं तरफ जो है गुना के रूप में है, गुना के रूप में है तो दाहिने उसको भेजेंगे तो ये जाएगा भाग के रूप में, और भाग को फिर हम बदल देते हैं गुना में, और फिर गुना में जैसे ही हम क्या करेंगे बदलेंगे तो क्या होगा वो हो जाएगा 2 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। तो अभी इसको समझते हैं, पहले इसको समझिए, ये जो 2a है, ये 2a आप यहां पर लिख लीजिए, प्लस है बीच में तो प्लस ले लेंगे, और 7 में से घटाएंगे तो आपको मिलेगा 6, और 6 को जब आप डी से गुना करते हैं तो मिलेगा आपको 6d, क्या मिलेगा 6d मिलेगा। फिर दाहिने में आप देखिए पहले से 49 है, दाहिने में पहले से क्या है 49 है, तो ये 49 होगा। अब ये सर 7 बट्टे 2 को आपने क्या किया, तो समझिए 7 बट्टे 2 गुना के रूप में है बाएं, दाहिने जाएगा भाग के रूप में, और भाग को फिर हम बदलेंगे गुना में, और गुना में बदलेंगे तो 2 जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे, 7 आ जाएगा नीचे, और 7 जैसे ही नीचे आएगा तब आपका काम जो है यहाँ पे आसान होगा, समझने की कोशिश कीजिए। 7 से जब आप 49 को भाग करेंगे तो 7 सत्ते 49 होता है, इस तरह से आपका 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया। फिर आपको क्या करना है तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ये जो 2a है उसको लिख लीजिए, क्या लिखेंगे 2a, और ये प्लस है तो प्लस, 6d है तो 6d लिख लीजिए, फिर दाहिने में क्या है देख लीजिए 7 × 2 = 14, क्योंकि जब आप 7 को 2 से गुना कर लीजिएगा, इस 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा,
इस तरह से इसका नाम आप अब दे दीजिए समीकरण एक। क्या देंगे नाम? समीकरण एक देंगे। तो जो A7 दिया गया था उसके मदद से हमने एक समीकरण तैयार किया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? लिखेंगे पुनः क्या दिया गया उसको लिखेंगे। लिखेंगे पुनः आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये S17 दिया गया है। कितना? तो 289। तो लिखेंगे पुनः S17 बराबर 289 आपको दिया गया है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है सो समझिए। क्या करेंगे? फिर यही काम करेंगे जो समीकरण एक के लिए हमने किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, S17 यानी कि SN आप जानते हैं n/2 होता है, तो 17/ क्या होगा? 2 होगा। 17/2 into 2a होता है, तो 2a प्लस n-1, तो n का मान 17 है, तो 17-1 और इंटू डी, तो डी तो आपको लेना होगा, और बराबर दाहिने में क्या है 289, तो 289 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे सो समझिए। देखिए इस 2a को फिर से आप लिख लीजिए, यहाँ पर 2a प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 17 में से एक घटाएंगे तो आपको मिलेगा 16, तो 16 और 16 को d से गुना करेंगे तो 16d हो जाएगा। दाहिने में 289 यानी कि 289 पहले से है, और ये 17/2 को जब आप दाहिने भेजेंगे, 17/2 को दाहिने भेजेंगे तो ये गुना के रूप में है, फिर से ये भाग के रूप में जाएगा, और भाग को फिर बदल देंगे हम गुना में, तो 2 चला जाएगा ऊपर और 17 आ जाएगा नीचे, और 17 नीचे आएगा तो इसका कहानी क्या बनेगा ध्यान से समझिए। देखिए आप 17 से जब आप 289 को भाग करेंगे तो 17 का पहाड़ा आपको पता होगा, या फिर आप 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर होता है तो 17 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि सिंपली ये समझिए 17 से 289 को जब आप भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 17। अब इसके आधार पर आपको आगे बढ़ जाना है और यहाँ पर समझना है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या मिला, ये हल्का ऊपर लिख लेते हैं, क्या है सो समझिए। अरे चलिए ये जो 2a है तो 2a को आप सेम टू सेम लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस, और 16d जो है उसको लिखेंगे 16d, और फिर दाहिने में क्या होगा, 17 को 2 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 34, तो यहाँ पर दाहिने में हो जाएगा आपका 34। क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। इसका नाम दे दीजिए आप समीकरण दो। क्या नाम देंगे? समीकरण दो देंगे। अब आपको एक बात सोचना है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है SN, और SN निकालने के लिए आपको A और D चाहिए। क्या चाहिए? A और D चाहिए। तो A और D कैसे मिलेगा बातों को हमें समझना होगा, तो चलिए समझते हैं और इसको देखते हैं A और D कैसे मिलेगा हमें। तो देख सकते हैं दो समीकरण A और D में आपको मिला हुआ, समीकरण एक और समीकरण दो, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे आराम से, आपको दोनों जो है यहाँ पर A और D मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण दो में से आप एक को घटा लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण करने पर क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2-1 करेंगे, दो में से एक को क्या करेंगे घटा देंगे, तो दो क्या है यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए समीकरण दो जो है वो यहाँ पर आपका इस तरह से, एक मिनट आप समझा, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। समीकरण दो क्या है, 2a प्लस 16d बराबर है 34, बराबर कितना है 34 है, और इसमें से घटाना एक को, समीकरण एक क्या देख सकते हैं 2a प्लस 6d बराबर 14, तो लिख लेते हैं 2a प्लस 6d और बराबर क्या है 14 है, तो 14 हम यहाँ पर क्या कर लेंगे लिख लेंगे। अब हमें घटाना है, तो घटाना है तो क्या करेंगे, जब घटाएंगे आप तो यहाँ पर आपको करना क्या है समझिए, इसमें से जब घटाते हैं तो नीचे का साइन क्या होगा बदल जाएगा, नीचे का साइन बदल जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये 14 भी माइनस हो जाएगा, तो इससे क्या होगा सो समझिए, ये प्लस 2a और माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद आपको क्या कर लेना है ये समझिए, ये क्या होगा 16d में से आप घटाएंगे इसको, 16d में से 6d घटाएंगे तो आपको मिलेगा 10d, कितना मिलेगा 10d मिलेगा, फिर दाहिने में क्या होगा 34 में से आप घटा लीजिए 14, तो 34 में से 14 घटाएंगे तो आपको 20 मिलेगा, कितना मिलेगा 20, और ये 10d है, ये आप समझिए 10d है। फिर क्या होगा समझिए, यहाँ पर एक बात फिर से समझ लीजिए, ये 10 से जब आप भाग करेंगे 20 में
तो आपको मिलेगा दो, कितना मिलेगा दो मिलेगा। इस तरह से आपको डी का मान मिल गया, डी का मान जो है क्या मिला, इस तरह से आपको डी बराबर जो है क्या मिला, तो देख सकते हैं कि डी बराबर दाहिने में दो है, तो दो मिल गया। अब आपको निकालना है क्या चीज, ए का मान निकालना है किसी भी तरीका से, तो समीकरण एक में या फिर दो में ही आप क्या कीजिए, डी का मान रख दीजिए, तो ए का मान आपको मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण दो में ही रख देते हैं क्योंकि समीकरण दो आपके नजदीक है, तो लिखेंगे समीकरण दो में, समीकरण दो में डी बराबर दो रखने पर, डी बराबर दो रखने पर, समीकरण दो में हम डी बराबर क्या रखेंगे, दो रखेंगे। तो देखिए होगा क्या, समीकरण दो ये है, तो लिख लीजिए क्या है समीकरण दो, दू ए प्लस 16d बराबर 34 है ये। अब आप बातों को समझेंगे कि होता क्या है, इसमें आपको दो ए जो है इसमें आपको डी के स्थान पे रख देना है दो, तो रखिए क्या होगा, ये 2a तो 2a है, प्लस है तो प्लस है, और 16 को गुना करेंगे आप डी से, तो डी का मान कितना लेना है, दो लेना है, फिर दाहिने में आपका कितना है, तो दाहिने में है आपका 34, दाहिने में है 34, तो 34 लिख लेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आराम से आपको डी का मान सॉरी ए का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे 2a प्लस 16 दुना 32 होगा बराबर दाहिने में 34 है, तो 34 लिख लीजिए। फिर क्या करेंगे, सो देखिए 2a को रखिए बाएं, दाहिने में क्या है पहले से 34 है, और जब आप 32 को भेजेंगे तो ये होगा -32, फिर क्या होगा, तो ये 2a बराबर जो है हो जाएगा 34 में से 32 घटाएंगे तो 2 होगा, 34 में से जैसे 32 घटाया आपने तो क्या मिला आपको 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा कितना से 1 से, और इसलिए आपको a का मान भी मिल गया कितना 1, a का मान कितना मिला 1 मिला। इसलिए अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है Sn, तो हम यहाँ निकाल लेते, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, लिखेंगे इसीलिए Sn बराबर, Sn निकालना था, Sn बराबर क्या होता है, n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे। अब क्या होगा सो समझिए, n का मान आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि Sn ही निकालना है आपको, ठीक है, तो Sn निकालना है तो n बटे 2 लिख दीजिए, एन बटे 2 इंटू 2a, 2a जो है क्या होगा, 2a जो है क्या होगा समझिए, 2a है तो 2 गुने a, तो a का मान 1 लेना, देख सकते हैं a का मान कितना होगा 1 होगा, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, फिर n माइनस 1 लेना है तो n माइनस 1 लेना है तो n माइनस 1 ही होगा, n माइनस 1 होगा, इंटू d, तो d का मान आपका 2 है तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, फिर क्या होगा समझिए, यहाँ पर आपको n बट्टे 2 लेना है, n बट्टे 2 लेने के बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, फिर प्लस है तो आप प्लस ले लीजिए, फिर क्या करेंगे n को 2 से गुना करेंगे तो 2n होगा, फिर माइनस 1 को 2 से गुना करेंगे तो -2 होगा, ठीक है, फिर आपको आगे क्या करना है समझिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n बट्टे 2 है, एन बट्टे 2, और फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कहेंगे सर कैसे, तो समझिए यहाँ पर ये -2 था और ये +2 था, समझिए 2 और -2 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर देते दूसरे कलर से ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है +2 इस -2 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, तो यहाँ पर आपको क्या करना है समझिए, ये cos हटाएंगे तो गुना आएगा और 2n तो 2n, अब आप 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या बचा n, और n को गुना करेंगे तो n square क्या बचेगा, n square क्या होगा आंसर हो जाएगा, तो n square into n क्या होगा, n square आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका Sn का जो मान है वो क्या होगा, n स्क्वायर कैसे होगा, आप लोगों ने समझा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।